भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाश उत्सव जालंधर के विभिन्न भगवान वाल्मीकि मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया। रंग बिरंगी रोशनियों से सजाए गए मंदिरों में संगत ने देर रात तक भगवान वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के तहत भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर में भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल, शशि शर्मा, जतेंद्र निक्का, शिव शर्मा, संदीप लक्की, बिट्टू सोहता की ओर से भगवान वाल्मीकि जी को का स्मृति चिन्ह एवं दोशाला देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर में हुई रोशनी व धार्मिक कार्यक्रमों में शिव तांडव भी पेश किया गया। इस मौके पर पुरुषोत्तम सोंधी, विजय सोहता, चेतन हांडा, आनंद बैंस, साजन बैंस, चेतन नाहर, हीरो सब्रवाल, अभि सब्रवाल सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं सारे बहुत बहुत बधाई हूँ। उत्सव कमेटी के प्रधान विपिन जी, मेरे को कोई शब्द नहीं है, सारे ने साडे बहुत ही अजीज MLA साहब शशि जी ने सारे ने इन्होंने बारे जो कुछ किया, मेरे को कहने बचा कुछ, मैं तो सिर्फ उन्हें वड्डा भरा होने के नाते मेरा बच्चा मेरे हाथों से पलिया। मैं भगवान वाल्मीकि जी महाराज को अरदास करना कि इन्हें चढ़ती कला च रखी, ये सारे साथियों को चढ़ती कला च रखी, इतने परिवार को चढ़ती कला च रखी, कौम की सारे शहर की समाज की सेवा करने की शक्ति बल बख्शी, क्योंकि मैं डर लगता रहा जिन्ना कम करता, जिन्ना राज्य वास्ते कम करता, जिन्ना लोगों वास्ते दिन रात दौड़ता, एड्डी वड्डी यात्रा कढ़नी और सारे समाज साडे MLA साहब खड़े ने इन्हां दे इलेक्शन चुने ने दिन रात मैं देखता रहा काम किया कौम लई। अज जिस तरह स्तंभ मंदिर खड़ा मैं अरदास करदा गुरु महाराज अगे महाराणी अगे भी अरदास करदा, चढ़दी गलां च रखी, इनू शक्ति दई, इनू तंदुरुस्ती दई, इनू लोगों दी नज़रां तों बचा के रखी। जय माता दी, जय वाल्मीकि महाराज, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। अज जे आम आदमी पार्टी ने मैनू टिकट दिती उहदा सारा सेहरा जिहड़ा है वह विपिन दे सिर ते ते शशि भाई दे सिर ते, और ये जिहड़ी जिहड़ी टिकट मैनू मिली है ये तुहाडे समाज वल्लों मैनू टिकट मिली है। मैं इस समाज का कदे भी देना दे नहीं सकदा, ना करजदा। सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने प्रगट दिवस के उत्ते मैं सारी संगत को बहुत बहुत बधाई देना। मेरे सत्कारयोग पिता समान जिन्हों की रहनमाई हेठा मैं अपने जीवन की शुरुआत की और पग पग दे उत्ते जिन्हों ने मैं संभालिया और इस काबिल बनाया कि मैं अज इस स्टेज नूं तुहाडे नाल सांझा करा, मेरे बाऊ जी शीतल वीर जी, एक मेरा भरा जिहड़ा सी बचपन तो ही अज तक कट्ठे और सारे दुख सुख ने सांझे, मेरा वीर शशि शर्मा जी, जिहड़ी माला दे विच असीं अज सारे परोए गए हां, वह माला का सूत्रधार साडा वीर विपिन सब्रवाल, जोरदार ताड़ियां मारो इक वारी, जोरदार। साहिल जी इत्थे सुनियो मेरी गल, मैं पहला भी ये गल कही है कि मैनू माण है अपनी उत्सव कमेटी के सारे तुसी आंदे हो, मैनू माण है भगवान वाल्मीकि ट्रस्ट से
जिहड़े हमेशा ही जिहड़े छोटे आ उह मैनूं बर्दाश्त करदे आ, वड्डे मैनूं आशीर्वाद दिंदे आ, क्योंकि वड्डे जिहड़ा तुसीं मैनूं दबके मारदे हो, इह तां मैं वी छोटे नूं दबके मारदा आ, कारा कर उह मैनूं बर्दाश्त करदे आ, ते मैनूं उहनां ते माण आ, ते वड्डिआं ते वी माण आ मैनूं हमेशा ही, मैनूं इन्ना प्यार, मैनूं सत्कार, मैनूं माण। माँ लाल भवानी ज्योतिषी मंच द्वारा विशाल ज्योतिष सम्मेलन मंच की संस्थापक एवं अध्यक्षा ज्योतिष आचार्य डॉक्टर मोनिका वालिया के नेतृत्व में करवाया गया। इस अवसर पर ज्योतिष आचार्य द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। इस मौके पर मोनिका वालिया ने बताया कि इस विशाल ज्योतिष सम्मेलन में भारत के अलग अलग प्रांतों से 200 के करीब ज्योतिषाचार्यों ने भाग लिया और ज्योतिष से जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि यह अमृतसर में पहला ज्योतिषी सम्मेलन है जो कि एक महिला द्वारा करवाया गया है। इस सम्मेलन में जो ज्योतिषी के विद्यार्थी हैं उन्हें आ रही मुश्किलों को दूर किया गया और ज्योतिष की बारीकियों के बारे में बताया गया। इस दौरान आए हुए मेहमानों को सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अपना वर्तमान जीवन जो देखते हैं कि बड़ा ही तनाव और भागदौड़ में लगा हुआ है, उस तनाव और भागदौड़ की वजह से हमारे पास कुछ ऐसे पति और पत्नी विवाहित जोड़े आते हैं जिनको बांझपन की बीमारी होती है, उनके बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो इतना तनाव और अपनी इतनी भागदौड़ और हर काम पे जल्दी जल्दी खाना खाया नहीं खाया, ये सारे जो नमस्कार जी सभी को, राधे राधे। माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका वालिया, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ पर जो मेरा पैशन है, जो मेरा जुनून है वो एस्ट्रोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी वर्ष करते हुए मुझे 32 वर्ष हो गए हैं कंप्लीट और 33वें वर्ष पे मैं आ गई हूँ। और जो ज्योतिष है, एक ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति देना। जब हम चिराग ज्योति जलाते हैं तो उसका उजाला होता है, ऐसे ही ज्योतिष का जो कार्य है, ज्योतिषी का कार्य है, वो है ज्योति फैलाना। किस चीज़ की ज्योति फैलाना? धर्म की ज्योति फैलाना। और जो हमारा ये टारगेट था कि हमने बहुत सारे ज्योतिषी एक ही छत के नीचे इकट्ठे करने हैं, 8 महीनों की मेहनत मेरे हस्बैंड श्री संजीव वालिया जी और मेरी कामयाब भी, सिर्फ मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार इसमें लगा, बच्चों का संपर्क है, घर का संपर्क है और भाई बहनों का जो कि बहुत ही दूर से आए हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं और लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो अपने ज्ञान के सूत्र इसमें दिए हैं। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमें एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें आप कुंडली रीडिंग, हैंड रीडिंग, फेस रीडिंग, वास्तु, ऑरा चेक करके और हीलिंग करा के, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है समय, ऐसे ऐसे इसकी तकनीकें भी बढ़ रही हैं। जब मैंने ज्योतिष शुरू किया था तो इतनी तकनीकें नहीं थी, स्कैनर हमने नहीं देखे थे, पर कुछ वर्षों से इसमें स्कैनिंग आने लग गए, हीलिंग होने लग गया, बहुत कुछ होने लग गया, जिसकी वजह से उसमें एक नया एक सूत्र जुड़ गया। और ज्योतिष एक ऐसा है जिससे कि दुनिया की कोई भी समस्या किसी भी तरह से हो उस पर हम निजात पा सकते हैं, बशर्ते बताने वाला सही हो और करने वाला कर ले, तब तो उसमें कोई लॉजिक नहीं। बल्कि जो हमने ज्योतिष महाकुंभ किया है इसमें सभी ने गोता लगाया है और इसी में सभी ने सीप में से मोती को चुना है। और हमारे जो विद्वान थे श्री HS रावत जी, अनिल वस्त जी और डॉक्टर दिलीप कुमार जी, उनकी वाइफ और चंद्रशेखर जी। अब बात मैं अंतिम पड़ाव पे आते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगी। हमने 7 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए और हमने 150 से ऊपर अर्जुन अवार्ड दिए और हमने अब 4 पिलर ऑफ इवेंट बनाए हैं और हमारे साथ मेंबर्स ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। सेल्फ चेयरमैन माँ लाल भवानी मंच संजीव वालिया, ये इवेंट असी मेन ज्योतिष के प्रचार लिए कराया गया। नवे जिहड़े ज्योतिष आचार्य जुड़ रहे हैं उन्होंने पता लगे कि भी ज्योतिषी की होंदा है, तो
विद्वाना दे स्पीचा राई उन्होंने कोई सूत्र मिले कोई जानकारी मिले जो दसना चाहते कि भी ज्योतिषी एक मिथ नहीं है ज्योतिषी एक साइंस हैगी है आपू वहम भरमान ना ना जोड़िए इनू एक साइंस के नाल आप जोड़िए आए ज्योतिषी विचारे ज्योतिष विचारे साढ़े पूरे भारतवर्ष तो कट्ठे हुए है उन्होंने अपने विचार सांझे किए ज्योतिष बारे काफ़ी उन्होंने अच्छा लगा इतने आके हाँ सानू ज्योतिष बारे जाना चाहिए ये एक मिथ नहीं है एक साइंस हैगी है इनू आप एक साइंस हैगी है इनू आप अंधविश्वास की तरह ना मनिया जाए इनू एक साइंस की तरह ही मनिया जाए तो असी इतने वहमा भरमा तो हट के ज्योतिष हैगा। भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाश उत्सव भगवान वाल्मीकि मंदिर कोट मोहल्ला बस्ती शेख में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया जिसमें प्रसिद्ध सूफी गायक माशा अली ने अपनी हाजिरी लगवाकर भगवान वाल्मीकि जी की महिमा का गुणगान किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और शशि शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान देविंदर गोला ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर सुखदेव बत्रा प्रिंस कोंडल शिव शर्मा मंजीत सिंह टीटू सोनू बाबा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। देविंदर गोला जी दे आज इस महान पर्व पे जड़ा जोजन रोशनी दा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी का जन्म उत्सव पे इन्हां ने ना विशाल मंच लगा के सारिया का स्वागत किया और सारिया नूं महला वासियां नूं गंदर वासियां नूं भजनां दा आनंद माणिया उन्हां नूं मैं ये समझदा कि ये बड़ा वड्डा उपराला और अंदर जिहड़ा लंगर दा इंतजाम इन्हां ने लंगर ही दसदा कि इन्हां दी किन्नी श्रद्धा है प्रभु दे अंदर और अपने साथियां नाल मैं पाँच छः जगह पर जाके भी हाँ लंगर देख के भी हाँ मैं ये जरा इतनी श्रद्धा नाल इतनी भावना नाल इन्होंने इस पर्व के उत्ते सारा आयोजन किया वधाई दे पात्र ने इन्हों मैं सारे कहूँगा कि ताड़ियाँ मार के एक कामना करो कि आज दे इस पर्व ते इन्हों भगवान वाल्मीकि जी महाराज इन्ना आशीर्वाद देन कि तंदुरुस्ती देन इन्हों चढ़ती कला च रखन इन्हों सिर ते मेहर भरियात रखन और इन्हों शक्ति देन इस तरह धर्म की सेवा करन दी और अगले साल जलंधर शहर का सब तो वधिया योजन मैं कहते हैं कोई नहीं सारे योजन ही वधिया ने जिन्हें भी जाके आए असल शशि जी के सारे मगर इतने आके अलग जहा महसूस होया मैं देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों भी इन्हों के साथियों इन्हों के परिवार को सारे बहुत बहुत बधाई भी देना है और अरदास भी कर देंगे इन्होंने सारे चढ़ती करा। भगवान वाल्मीकि मंदिर रस्ता मोहल्ला में भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाश उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सुशोभित कर रोशनी की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया और केक काटकर सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सुभाष शर्मा जतिन घई लाली नोना सिंह प्रिंस राजू साहिल शर्मा राहुल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट।
एशिया में दूसरे नंबर पर जानी जाती नाभा की अनाज मंडी में बारिश को देखते हुए आरती एसोसिएशन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार दो दिन से आसमान में बादल छा रहे हैं। बादलों को देखते हुए किसान बहुत चिंतित है, क्योंकि उनकी बेटों की तरह पाली गई फसल अभी खेतों में ही खड़ी है और जो किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आ रहे हैं उसे लेकर भी वे चिंतित हैं। हालांकि आरती एसोसिएशन की ओर से बारिश को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम किसान मंडी में अपना धान की फसल लेकर आ रहे हैं। इस दौरान किसानों ने कहा कि अब भगवान ही उन पर कृपा करें तो वे अपनी फसल मंडी में लेकर आ सकते हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मंडी के प्रबंध ठीक ने जी, असली जी घाट है जी साड़ी है, गवर्नमेंट वालों ही है भी शेड की कमी हैगी जी, इन्नी भी हैगी है जे समझ लो शेड होने सू इन हूँ दिक्कत आ रही है जी, ये दिक्कत ना आए आड़ती का पूरा सहयोग करता अभी भी साड़ी फसल है जी, अभी आप भी सामने आ निरभर अभी आड़ती दे निर्भय हो सकते जिन्ना भी है प्रबंध कर दें। हूँ मैं सवेरे फोन करके आया जी, इन्होंने कहा भी लियाओ है तरपाला साढ़े। बाकी मालक मूहरे बेनती कर रहे सेवा रखो, बाकी सरकार ने चलो इन्हों भी सहयोग देना चाहिए, जिम्मे फसल जी नुकसान नहीं जाती मुआवजा देने का हक बनता जी पूरा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं जो असी जी इन्हों का सहयोग सरकार का भी देवे असी सरकार तो नहीं भज सकते जो बनाई हुई साकार असी सहयोग पूरा देव। हाँ जी लिफ्टिंग सामने हो रही है जी, तुम देख रहे हो पूरी वधिया कर रहे हैं फसल जी मंडिया जी उत्थे खड़ी है फसल उत्थे पानी खड़ा मंडिया मीह पी जाता है उरे लिया उरे मीह पा कद पलिया चक रख दें कद नंगी कर दें कद ढक दें आही हाल होर बारिश पे काफ़ी नुकसान हो बहुत ज़्यादा नुकसान हूँ भी नुकसान बहुत हो चुके हैं जिमीदार की करूँगा जी बहुत औखा पक्की फसल के थले मशीन नहीं बढ़ रही मीह पै गया बहुत ज़्यादा हूँ फिर मीह का कोई पता नहीं बदल उपर हो रात भी बदल हो मौसम देखते हुए जी साडे वालों जो तरपालों का इंतजाम है वो बिल्कुल तकरीबन सारे आड़तियों वालों किया गया जो असी माल भरिया हुआ सी उन्होंने असी चक्के लगा के उन्होंने तरपाला पाई गई ने और जो साडा कुछ माल है वो साढ़े शैड है उन्होंने हेठा लाया गया और सारे नो वड्डी गल है कि साडी लिफ्टिंग चल रही है साडी कोशिश है भी माल गिला ना होए और ये शैलर तक पहुँचाया जाए वो असी पूरा अड्डी चुट्टी का अपना जोर लाया हुआ ता जो शैलर के जाके इस माल का प्रोपर देखभाल हो। टोटल किन्ने कट्टे आ गए सी ते किन्ने दी लिफ्टिंग हो चुकी है जेडे हैगी आ गवर्नमेंट दा जी ओ तकरीबन 2.5 लाख बैग जो असी गवर्नमेंट ओ साडे तो खरीद चुकी आ और ओदी 1.5 लाख दे करीब असी जो लिफ्टिंग आ साडी ओ हो चुकी किन्नी क होर आउंदी आ किन्नी क आउंदी आ नाभा मंडी के साडे कोल तकरीबन 24 से 25 लाख जो बैग्स ने वो साडे कोल जी ए आते हैं जी हैगी परमल जी दी और पिछली बार साढ़े को 1509 आदा हूँ तक तकरीबन असी सीजन तो पहला पहला 1.5 लाख कट्ट आया सी जो इस बार वो 4.25-4.5 लाख से पहुँच चुके और वो मुकम्मल तौर पर लिफ्टिंग 100% हो रही है। देखो जी मौसम तो रब के हाथ है, असी भी जिमीदार भी आड़ती भी शैलर वाला भी मालक के अगे प्रार्थना करते हैं भी ये सुख पसंद लंघा दे, बाकी रब के मूहरे जोर किसी का नहीं है, उदे नाल उदी कृपा नाल असी सारे सहयोग करके सारे काम नूं भली पाक चला रहे, जिनी साड़ी कोशिश है असी वध तो वध कर रहे हैं। देखो माल जिन्ना भरिया वै गौरमेंट का सारा करेटा के उत्ते चक्के ला के तरपाला पाइया पी पूरा इंतजाम है जी करेटा का भी तरपाला का भी लेबर का भी साढ़े वालों कोई कमी।
ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाश उत्सव प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर अली मोहल्ला में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सुशोभित कर रोशनी की गई। इस दौरान आए हुए कलाकारों ने शिव तांडव पेश कर सबको भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर के पंडित कमलेश्वर, प्रधान एसके कल्याण, सिकंदर कल्याण, सन्नी कल्याण और रवि कल्याण ने श्री विज को भगवान वाल्मीकि जी का स्मृति चिन्ह और सिरोपा देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। वाल्मीकि हर हर आज साढ़े सारे प्रभु वाल्मीकि जी महाराज जी के जन्म उत्सव जो आयोजन जगह जगह प्रभु जी की कृपा बरस रही है शहर के और प्राचीन मंदिर शहर का अली महला एक प्राचीन मंदिर है। मैं ज्यादा पैदा होया, मैं हमेशा इतने मत्था टेकया। पहला मुद्दा शहर कुछ होर भी प्रभु दे, मगर इस मंदिर की एक अपनी आस्था। साडे मंदिर दे इसके प्रधान एसके कल्याण जी जोड़े अंतक सेवादार हैं, मैं देखता इन्होंने बहुत बारी जिन्नी बारी भी शोभा यात्रा करना गया या मैं किसी वेले आप आके मत्था टेक के चले जाना। देखता मंदिर का विकास, मंदिर की इन्होंने मर्यादा नू नहीं कोई आँच आन दिती। मैं समझता जलंधर शहर च अगर अगर सब तो ज़्यादा किसी मंदिर की प्राचीनता के मानता वो अली महले के नाम तो ही भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी का मंदिर का शुरुआत हुई। बधाई भी देना इतने भी इन्होंने मैंने किया, मैं खड़ा जो भी मेरे लायक सेवा लगान गया मैं इन्हों हमेशा हाँ हाँ और मैं अज इन्हों पैसे तो नहीं दे सकता, तो मैं एक छोटी तुच्छ भेंट जी है इन्होंने हमने 51,000 रुपया इन्हों अज हम दे के जा रहे हैं। और मैं पोलिटिकल बंदा है नहीं, मैं धार्मिक बंदा, मेरा 51,000 अमृतसर में श्री खाटू श्याम मित्र मंडली द्वारा एक शाम खाटू श्याम जी के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्री खाटू श्याम जी महाराज के दरबार में नतमस्तक होकर पूजा अर्चना की। इस भव्य दरबार का सुंदर श्रृंगार देखने योग्य था। इस दौरान आई हुई भजन मंडलियों ने खाटू बाबा जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मंडली के पदाधिकारी गोविंद बांसल ने बताया कि यह श्री श्याम प्रभु जी खाटू वालों की 21वीं भजन संध्या है, जिसका आयोजन कोरोना के कारण 2 वर्षों बाद हुआ है।
उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक समागम हमें एक सूत्र में बांधे रखते हैं और यह हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और हमें कुरीतियों से दूर करते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एग्जीक्यूटिव मेंबर श्याम मित्र मंडल अमृतसर। 21वां जागरण हो रहा है, 21वां जागरण हो रहा है और हर साल होता रहा है। कोविड की वजह नाल 2 साल जड़ा नहीं हो पाया, वो असी बड़े सूक्ष्म रूप के वृंदावन गार्डन खाटू श्याम जी का मंदिर है उत्थे किया। शुरुआत यदि जो हुई सी धर्म सिंह मार्केट तो हुंदा सी, उदों सारी रात का जागरण हुंदा सी, राती 8 बजे तो लैके सवेरे 6 बजे तक। उहदे बाद यह जागरण जड़ा है अपना गुरु नानक ऑडिटोरियम चालू किया और पिछले 8-10 साल तो गुरु नानक ऑडिटोरियम ही हो रहा है। ये पूरे कंट्री तो अच्छी अच्छी मंडलियाँ भजन कीर्तन वास्ते आदियां ने और इतने साढ़े अपना 7-8-80 एग्जैक्टिव मैंबर है जोड़े कि 21 साल तो ही संस्था के नाल जुड़े हुए हैं। अच भी अपना नंदू जी आ रहे हैं इतने, साढ़े अहमदाबाद वाले नंदू भैया जी है, बठिंडा तो बबली जी है, फतेहाबाद तो बेबी गुंजन है, ये अज पार्टीसपेट कर रहे हैं। और हर साल साढ़े एक शोभा यात्रा निकलती है जिहड़ी कि मार्च के महीने फागन निकलती है। और शोभा यात्रा साढ़ी मलकापुर रघुनाथ मंदिर तो लैके वृंदावन गार्डन मंदिर तक जाती है। असीं तो कहने हर बंदा ये जुड़े, साडा ये जागरण कीर्तन कराने का मकसद एक ही है कि लोग जुड़न, बाबा दा प्राप्त करन। यूथ वाल्मीकि सभा की ओर से सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा के मार्ग सदर बाजार स्थित ब्यूटी हाउस चौक जालंधर छावनी में भव्य स्टेज लगाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान गोरा थापर, उप प्रधान आशीष अटवाल, अजय पीवल, अशोक कुमार, सचिन रावण, जुगनी, शशिपाल राय, डॉक्टर जसलीन सेठी और पल्लवी सहित सभा के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। इस मौके पर समाज सेवक अजय पीवल ने कहा कि हम सबको भगवान वाल्मीकि जी द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर एक सभ्य समाज की सृजना करनी चाहिए ताकि राम राज्य फिर से स्थापित हो सके। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मैं बड़ा धन्यवाद है जी यूथ वाल्मीकि सभा के प्रेजिडेंट गोरा थापर जी और वाइस प्रेजिडेंट आशीष अटवाल जी का और सचिन रावण जी का और जुगनी प्रधान जी का, जिन्होंने इस मौके पर आए गए व्यक्तियों का स्पेशल जी व्यक्ति आए उन्होंने स्वागत किया। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। नौजवान वाल्मीकि सभा संसारपुर की ओर से महर्षि वाल्मीकि जी महाराज का प्रकटोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाकर रोशनी की गई। इस दौरान आई हुई भजन मंडलियों ने भगवान वाल्मीकि जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान प्रधान लक्की बैंस ने सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अशोक खोसला, निक्की बैंस, रिक्की बैंस, विजय खोसला, अमित चौहान, अशोक कुमार, बॉबी मुंगा, प्रमोद हंस, काका हंस, राजा तेजी, कनोज खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जो बोले सो नरबै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज का प्रगट दिहाड़ा बड़ी धूमधाम नाल पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। अज संसारपुर विखे वाल्मीकि धर्मशाला भी बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। अज साडे धर्मशाला सत्संग साडे प्रचारक अशोक लंकेश जी करनगे, असी इन्हां दा जी आया करांगा करदे आ। ते संसारपुर कमेटी वालों सारे ही संगत नूं, पूरे संसारपुर नूं ते पूरे देशवासियों नूं वाल्मीकि महाराज के प्रगट उत्सव दियां लख लख वधाइयां। जो बोले सो नरबै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। असी इत्थे साडे लाल कुर्ती तों बाऊ जी टोनी खोसला जी ते भावादास दे प्रधान जी ते बाकी समूह कमेटी दा असी इत्थे आया दा जी आ धन्नवाद करदे आ। जो बोले सो नरबै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परम सत्कारयोग गुरु रूप सात संगत जी,
सब तो पहला दास जी लवाओ हाजरी फतेह रहा जवाब तो फतेह जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। अज सतगुरु श्री महर्षि वाल्मीकि महाराज जी जिन्हों के प्रकाश उत्सव में मुख रखते हुए संसारपुर की संगत ने बड़ा उपराला किया है, अज सत्संग का उपराला किया है, समूह उपरंत लंगर का भी उपराला होया है। अज दास वालों पूरी प्रबंधक कमेटी को नगर निवासियों लख लख बधाई देना है। तो महाराज यह अरदास करते हैं कि महाराज नगर को देश में चढ़ती कला बख्श रखते तो और एक संदेश है कि अपने बच्चों को पढ़ावो तो तुसी अज्ञानता तो दूर हो गया अज्ञान में आओ। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। नव युवक वाल्मीकि सभा हेडक्वार्टर मोहल्ला नंबर 30 की ओर भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में 94वीं वार्षिक शोभा यात्रा मोहल्ला नंबर 30 जालंधर छावनी से निकाली गई, जिसका शुभारंभ इलाका विधायक प्रगट सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि की ओर से झंडा चढ़ाने की रस्म भी अदा की गई। इस मौके पर सभा के प्रधान भरत बत्रा ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को सिरोपा और स्मृति चिन्ह देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू, भूषण अग्रवाल भूषी, विजय बत्रा, डिंपल हंस, अश्विनी कुमार, राजकुमार राजू, गुरशरण सिंह टक्कर, राजन घई, वरिंदर कुमार शुक्का, लॉडी सरवटे, गौतम कुमार, विजय, शोभाराम अटवाल, रवि जुगनी, पंडित रोशन लाल, राकेश अटवाल, मोंटू सब्रवाल, सुरेंद्र हंस, विशाल हंस सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। मैं भारत बत्रा नवी वाल्मीकि सभा प्रधान हेडक्वार्टर मोहल्ला नंबर 3 कल जो 9 अक्टूबर साड़ी महर्षि वाल्मीकि भगवान का प्रगट उत्सव से जो उसकी शोभा यात्रा निकली है उसके विच साडे मुख्य अतिथि सरदार प्रगट सिंह जी MLA कांग्रेस ने झंडा की रस्म निभाई ते नाल साडे बहुत बार बंदे जिवें कि पप्पू जी भी साडे नाल मौजूद सी, भसीन जी, बाबा जी टिटू प्रधान सिंह सभा गुरुद्वारा चीकू, प्रदीप जी साडी कैबिनेट दे प्रधान बाठल जी, मंटो जी, लाडी जी अपने ते रिंकू जी और मेरे सारे जिन्ने भी डिंपल वीर हंस, शुका प्रधान, अश्विनी जी, जिन्ने भी मेरी सभा दे मैं सारे दा नाम मैनू नहीं लै सकता, सारे जिन्ने बहुत बार मेरे पछौनी दे जिन्ने भी आए हुए सीगे मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा हां ते मैं अपने बाजार वालियां दा और छौनी निवासियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां कि जिन्हां ने मेरा बढ़ चढ़ के साथ दिता। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। जो कि हर साल की तरह इस साल भी मोहल्ला नंबर 30 हेडक्वार्टर जो कि प्रधान साडे भरत अटवाल जी, भरत बत्रा जी, शुका जी, लाडी जी और बाठल जी, सोनू जी सारे भरावां ने मिल के जो कि बहुत अच्छी जो कि शोभा यात्रा देखण योग सीगी। सारी दुनिया साडा कैंट और आस पास के पिंडां दे जिहड़े लोग आ कह रहे इस तरह की यात्रा असीं कदी नहीं देखी। बैंड वाजे झांकियां इन्नियां सुंदर सीगियां कि लोगों का जो मन मोह लिया। असी इस गल की फिर मोहल्ला नंबर 30 भरत बत्रा जी हैडक्वार्टर बधाई देने और सारी इन्हां दी टीम बधाई देने। उहदे विच जो कि झंडे की रसम साडे MLA प्रगट सिंह ने जो कि सारी देख रेख जिहड़ी है साडे पवन जी जी, पवनदीप जी जो कि DSP और SHO कैंट और पूरे असी जिहड़े अपने साडे पुलिस वाले सीगे, साडे भरा जड़ा कि कमिश्नर साहब दियां हदायतां दे तरीके उन्होंने पूरी ट्रैफिक ते भी कंट्रोल किया वा और सारा जो कि बहुत वधिया जो लोगों नूं इहने साडे भरत बत्रा दी सारी टीम ने सारिआं नूं सम्मानित भी किया और भगवान वाल्मीकि जी का जो चिन्ह दे के भी इन्होंने किया सी। इन्हां नूं बहुत बहुत अपने वालों अपने पूरे परिवार वालों भरत बत्रा दी टीम सारिआं नूं लख लख बधाई दिंदे आ और खास तौर दे उपर साडे वड्डे भरा बाऊ शीतल बीर जी उन्हां दा भी बहुत धन्नवाद करदे आ। वह किधरे टॉप शहर सके नहीं आए नहीं तो उन्होंने भी आके जो वाल्मीकि भगवान का मोहल्ला नंबर 30 के आशीर्वाद लेना सगा मैं उन्होंने वालों भी भरत बत्रा और इन्हों की टीम को बाऊ शीतल बीर जी प्रधान देवी तला दैनिक सवेरा का बहुत बहुत धन्यवाद कर दें। हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि।
भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी की ओर से मोहल्ला निवासियों के सहयोग से 16 लिंक रोड जालंधर में भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर केक काटकर भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधान बॉबी सोंधी, जनरल सेक्रेटरी विक्रम भंडारी, कोषाध्यक्ष रतन लाल हीरा, नीटू कल्याण, राजन कल्याण, जसलीन सेठी, अनुपम कल्याण, प्रवीण सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि महाराज जी का प्रकाश उत्सव असी बड़ी धूमधाम के नाल सारे संसार दे विच मना रहे हैं। भगवान सृष्टिकर्ता जी ने जो सानू उपदेश दिते, सानू सारे नू चाहिए कि उन्होंने उपदेशों से चल के अपने जीवन नू सफल करिए। साडा आपसी प्यार, आपसी भाईचारा, आपसी सहयोग इस तरह बनया रहे और असी इस तरह समाज के विचरते रहिए। जय वाल्मीकि, हर हर वाल। अज भगवान वाल्मीकि जी का आह्वान आदि कवि जिन्हों का प्रगट दिवस बड़ी धूमधाम से श्रद्धा के नाल हर एक शहर के कस्बों पिंड हर एक महल्याद मनाया जा रहा वा। अज अचेचा तौर पर वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी जो बॉबी सोंधी जी महला वादपुरा लिंक रोड तो अज भगवान वाल्मीकि जी का प्रगट उत्सव बड़ी धूमधाम से श्रद्धा के नाल मना रहे हैं। मैं समझदा कि अज मेरिया मावां भैणां बच्चे जिहड़े कि निखर के सारे बाहर आए आ और बड़ी श्रद्धा ते धूमधाम दे नाल इस दिहाड़े नूं बड़ी खुशी नाल मना रहे आ। भगवान वाल्मीकि जी इन्हां ते अपार कृपा करे। भीम जय भारत। मैं अज आबादपुरे दे विच जिन्ने भी मेरे भैण भरा इत्थे पहुँचे ने जो भगवान वाल्मीकि दा प्रगट दिवस जिहड़ा दे मौके ते पहुँचे ने, मैं सारिआं नूं अपने वल्लों और अपनी पूरी टीम वल्लों और साढ़े नाल परशोत्तम सोंधी जी प्रधान जी और रणजीत सिंह जी मोड़ जी जो कि इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर ने अते और मेरे साथी डॉक्टर बी आर अंबेदकर दल सैना वालों जो कि मैं सारे अपने वीरां नूं भैणां नूं लख लख वधाई दिंदा वा। जय भीम जय भारत। मैं हरविंदर सिंह चटकारा रबड़ एसोसीएशन पंजाब तो सारे साथियों वालों सृष्टिकर्ता सृष्टि के मालक भगवान वाल्मीकि जी दे पावन प्रकाश उत्सव ते पावन प्रकाश प्रगट दिवस ते आप सब संगतां नू लख लख वधाइयां दिंदे हां, अरदास करदे हां, प्रार्थना करदे हां, जोदड़ी करदे हां कि भगवान वाल्मीकि सारिआं ते रहमतां दे मीह वसान, किरपा ते खेड़े बख्शन, मेहरां बख्शन, खुशियां बख्शन, इस तरह सारे परिवार नूं समाज नूं जोड़ के रखन। मैं फिर तो सारिआं नूं लख लख वधाइयां दिंदा हाँ। जय भगवान वाल्मीकि जी की। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। अज वाल्मीकि जी दे गुरपुरब ते मैं सारी साध संगत नूं लख लख वधाई दिंदी हाँ ते परम पिता परमात्मा को यही अरदास करदी हाँ कि असी ये पंजाब हसदा खेलदा रंगला पंजाब बनया रहे। सानू मान है अपने पंजाब ते उस धरती ते जिस धरती ते लवकुश का जन्म होया, उस धरती ते मान है जिथे ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। सो मैं आज दे दिन सारे देशवासियों नू, पंजाब वासियों नू, शहर वासियों नू ते जलंधर वासियों नू लख लख वधाई देनी आ। सुरेंद्र सिंह कह रहा एंटी क्राइम एंटी करप्शन एसो पंजाब वालों साडी टीम वालों पूरे जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि दे जन्मदिन की अज बहुत ही बधाइया सारे देश बड़े उत्सव में मनाया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाइया देना इस जिन्होंने अपने भगवान वाल्मीकि जी ने सानू शिक्षा दी है, उन्होंने कलम फड़ के सानू जीना सिखाया। साडे बच्चों भी चाहिए है कि उन्होंने पूर्णिया से चल के एक सानू शिक्षा लेनी चाहिए है। भगवान वाल्मीकि जी के उन्होंने पूर्णिया से सानू चलना चाहिए है कि जेडे अज साडे बच्चे जिहड़े है वो बहुत नशा कर रहे हैं। मैं उन्होंने भी कहंगा कि अज उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी की सौ खानी चाहिए है कि अज असी उन्हों का जन्मदिन मना रहे हैं। सानू सब गुरुआं का जन्मदिन मना चाहिए है
पर असीं उहनां दी शिक्षा ते भी चलना है। सानू नशा भी असीं त्यागना है। साडी जिहड़ी इत्थे कमेटी है भगवान वाल्मीकि जी दा मंदिर आबादपुरे दे विच बहुत अच्छी कमेटी काम कर रही है। मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। मैं विक्रम भंडारी नैशनल असिस्टेंट जनरल सैकटरी ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमेटी दिल्ली और जनरल सैकटरी महारिषि वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी लिंक रोड तो हाँ। साडी इत्थे कमेटी जिहड़ी है महारिषि वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी लिंक रोड हर साल महारिषि वाल्मीकि जी का जन्म दिहाड़ा बड़े धूमधाम नाल मनांदे ने और महल्ला वासियां दा पूरा सहयोग इन्हां दे नाल हुंदा है और असी इस तरह ही ये त्यौहार इतना हर साल मनाते रहेंगे। और इस शुभ मौके पर मैं अपने जलंधर वासियां नूं पंजाब वासियां नूं खास करके हिंदुस्तान के सारे वासियां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से अमन नगर नज़दीक पठानकोट चौंक जालंधर में माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी मंगलावती भारती ने महामाई का गुणगान करते हुए माँ के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया। इस दौरान साध्वी ने बताया कि समाज में बुराइयों को खत्म करने के लिए माँ ने विभिन्न स्वरूपों को धारण किया। वास्तव में माँ एक शक्ति है जो सारे संसार का सृजन पालन और संहार करती है। इसे साथ ही उन्होंने कहा कि आज मानव देवी माँ की आराधना तो मन से करता है, परंतु उसे जन्म देने वाली माँ वृद्धाश्रम में देखने को मिल रही है। यदि हम जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो वह जगदम्बिका भवानी हम पर कभी प्रसन्न नहीं होगी। अगर हम देवी माँ की प्रसन्नता को हासिल करना चाहते हैं तो ईश्वर द्वारा बनाए गए हर रिश्ते का सम्मान करना होगा। अंत में साध्वी बहनों द्वारा सुमधुर भजनों और माँ की भेंटों का गुणगान कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया गया। इस मौके पर सांसद संतोष चौधरी, दिनेश ढल, अमित ढल, विधायक रमन अरोड़ा, बलराज ठाकुर, रमेश शर्मा, पार्षद शैली खन्ना, डॉक्टर बी डी शर्मा, यशपाल ठाकरे, पार्षद माइक खोसला, अजय भारद्वाज, अवनीप देवरा, अजय मल्होत्रा, दीनानाथ प्रधान, अमित सैगल, विजय महाजन, मनोज रामचंद्र, जीतू सहित असंख्य लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अमृतसर के संस्थापक और सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को लेकर सचखंड श्री दरबार साहिब में 10 और 11 अक्टूबर को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के चलते करोड़ों रुपयों की लागत से सचखंड श्री दरबार साहिब में सुंदर फूलों की सजावट भी करवाई जा रही है। तो वहीं शिरोमणि कमेटी की ओर से 10 अक्टूबर को विशाल नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब से आरंभ होगा और 11 अक्टूबर की रात को रहराज साहिब के पाठ के भोग के उपरांत सुंदर आतिशबाजी भी की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी के प्रकाश पुरब की समूह संगतों को लख लख बधाइयां, लख लख बधाइयां। दास हरिंदर सिंह सबलोक मुंबई तो अज 13 साल तो ये सेवा गुरु साहब ने साड़ी चोली च पाई है। कम से कम 25-30 प्रकार के फुल आप यूज़ करते हैं जो अलग अलग देशों तो आते हैं। इस इंडियन फुल भी है तो बाहरों ही इंपोर्ट कराते हैं। तो यह सेवा गुरपुरब तो 2-3 दिन पहले आप शुरू कर देंगे, 3 दिन सेवा पूरी संपन्न हो जाती है। कारीगर लगभग 100 कारीगर आते हैं, जिस 61 कारीगर दिल्ली तो आते हैं, बाकी 41 कारीगर आते हैं अपने मुंबई तो। बाकी जी लोकल संगत है उन्होंने भी बहुत ही सानू सहयोग है, वो सानू नाल मिल के साढ़े सेवा करते हैं। फिलहाल तो वही कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पता है कि कि जगह पर की लाना है, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा दसण की लड़ नहीं पैंती, वो आप ही अपना काम कर देते हैं। असं जिस तरह उस बोलते हैं वो कर देंगे। वरायटी ऑफ फुल्स है, जिस तरह इंडियन फुल है, गेंदा फुल है, वो बैंगलोर तो आ जाता है। जिस तरह बाकी एंटोनियम है, बाकी सारी चीज़ें बाहरों इंपोर्ट करा, मलेशिया तो, सिंगापुर तो, ये सब जगह तो इंपोर्ट कर। हाँ जी, सेवा बस गुरु महाराज अगर बख्शिश करन कल शाम तक
सब पूरी सेवा संपन्न हो जाएगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी के प्रकाश पुरब की समूह साध संगत को लख लख वधाइयां, लख लख वधाइयां। दास इकबाल सिंह बॉम्बे तो अपनी समूह संगत के नाल गुरु रामदास पातशाह जी गुरपुरब के सजावट और आतिशबाजी सेवा दे गुरु साहब की कृपा सदका सेवा लिए हाजिर हुए हैं। गुरु महाराज की अपर अपार कृपा का सदका सेवा शुरू हो गई है। कल शाम तक गुरु साहब कृपा करेंगे तो सेवा की समाप्ति हो जाएगी। 25 से 30 किस्म के फुल आ जाते हैं हिंदुस्तान के जिते जो स्पैशलिटी हैगी। बेंगलोर, पूना, बॉम्बे, दिल्ली जितों भी सोहने फुल मिलते लिया के सजाया जाता। हाँ जी, 80 कारीगर बंगाल तो आते हैं और 100-125 संगत साढ़े नाल बॉम्बे तो आती है। हाँ जी, 3 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। त्याग मूर्ति मिशनरी अस्पताल में विशाल आंखों के ऑपरेशन और निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसका शुभारंभ सहायक जिलाधीश मेजर अमित सरीन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया। इस मौके पर 50 के करीब गरीब बच्चों को राशन के पैकेट भी भेंट किए गए, जबकि इस कैंप में 400 के करीब रोगियों ने अपनी जांच करवाई। इस मौके पर अस्पताल के ट्रस्टियों ने बताया कि इस कैंप के बाद मरीजों की आंखों के ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क किए जाएंगे। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी प्रदान की गई। गौरतलब रहे कि ये कैंप दैनिक सवेरा के सहयोग से लगाया गया। इस मौके पर चेयरमैन वीरभूषण आचार्य, महामंत्री पूर्ण चंद अरोड़ा, कैशियर महेश चंद्र, संयुक्त सचिव हरि महाजन, ट्रस्टी मनोहर महाजन, ट्रस्टी परसराम प्रभाकर, अशोक भाटिया, पार्षद शैरी चड्डा सहित अस्पताल के डॉक्टर्स व स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए पवन कनोजिया की रिपोर्ट। आज बहुत खुशी का अवसर है कि आज त्याग मूर्ति हॉस्पिटल में सवार से परमार्थ की राह पर चलते हुए इतना अच्छा मेडिकल कैंप का आयोजन किया है इन्होंने। उसमें फ्री चेकअप है आईज़ का, जनरल चेकअप है फ्री, और साथ में डेंटल चेकअप है, और टीबी के जो पेशेंट्स थे 50 पेशेंट उनको फूड किट्स जो हैं फ्री में मुहैया करवाई गई हैं, क्योंकि देश में इस समय अभियान चल रहा है टीबी मुक्त भारत का, तो उसके तहत भी सोसाइटी को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ। त्याग मूर्ति आचार्य जी की याद में यह कैंप किया गया है, और सारी टीम श्री पूरन चंद जी, श्री महेश चंद्र जी, श्री कपिल पंछी जी, नीरज जी, महाजन साहब, श्री गुलशन जी और श्री परशुराम जी सिंह जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ सभी को, कि आप लोगों का यो जो रास्ता है स्वार से परमार्थ की, और ये और भी सरल हो, ईश्वर आपको और भी शक्ति दे कि आप इस तरह के आयोजन करते रहें समाज के कल्याण के लिए। जो लोग पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा में इसी तरह अपना जीवन दान कर दें जैसे ये कर रहे हैं, और साथ ही मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इनको लंबी आयु दे और स्वस्थ काया दे, कि ये इस तरह से इनको शक्ति और हिम्मत मिलती रहे और ये ऐसे ही कार्य करते रहें, और हम इस तरह से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन इनका साथ इसी तरह देता रहे। मूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त मिश्री अस्पताल में आज एक बहुत बड़ा महान जो कैंप लगाया गया है, और सबसे बड़ी जो बात है, मुझे खुशी की बात है कि जो देशभक्त हैं, जो देश के लिए सब कुछ करते हैं, तो मेजर अमित सरीन जी जहां आए हैं, जिनके कर कंबलों द्वारा कैंप का उद्घाटन किया गया है, ये बधाई के पात्र हैं। जैसे कहते हैं कि रंग रंग को देखकर पकड़ करता है, या जो व्यक्ति महान शख्सियत जहाँ आती है उनका असर होता है, तो मेजर साहब का असर जरूर होगा कैंप में, जहाँ जो सेवा का काम चल रहा है। आदरणीय गुरुजी विश्वनाथ आचार्य जी द्वारा जो संस्था चल रही है त्याग मूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त मिश्री अस्पताल, वृद्ध आश्रम चल रहा है, मंदिर चल रहे हैं, ये परमार्थ के काम चल रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात है, मैं महेश जी को बधाई देता हूँ, इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है इस कैंप को सफल बनाने के लिए, ये बधाई के पात्र हैं महेश जी। तो ऐसे ही जो ट्रस्टी हैं, मैं भी चलो आदरणीय गुरुजी ने जैसे सेवा दी है, मेजर साहब ट्रस्टी हूँ, लेकिन हर व्यक्ति काम इतना नहीं कर सकता जितना महेश चंद्र जी कर रहे हैं इस कैंप को। और सबसे बड़ी खुशी की बात आ जाए, देखो इतने बड़े मरीज 300 के ऊपर लगभग आ गए हैं और 600-700 हो जाएंगे, ऑपरेशन फ्री होंगे, आँखों के ऑपरेशन। देखो
आपने देशभक्ति के अंदर भरी हुई है आपके अंदर कूट कूट कर, हमें भी इसका उत्साह मिला है सभी को आपके आने से। यहाँ पर आप समाज की सेवा कर रहे हो इतने बड़े, हमें भी उसका उत्साह मिलेगा। अगर काम करना है तो लग गए तो फिर ऐसे ही करो कि दुनिया याद करे। तो मेजर साहब, हमें आपकी प्रेरणा मिलेगी, आपने जो उद्घाटन किया आप बधाई के पात्र हो। उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से और इस त्यागमूर्ति अस्पताल के जन्मदाता श्री विश्वनाथ जी आचार्य के आशीर्वाद से यहाँ एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया है, आँखों का और मेडिकल का। इस कैंप में शुभकामनाएँ देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय मेजर अमित सरीन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और ये हमारा सौभाग्य है इनके दर्शन कर इनके चरण दबा कर हमारा सौभाग्य बन जाता है। एक होता है भाग्य और एक होता है सौभाग्य। जब किसी का भाग्य है तो वो बिगड़ भी सकता है, भाग्य बिगड़ जाएगा, पर सौभाग्य जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कभी बिगड़ेंगे नहीं। तो हमारा सौभाग्य है इनके दर्शन करके, इनके हाथों से, इनके कर कमलों से इस कैंप का उद्घाटन करना। अज का जोड़ा ये कैंप साढ़े वार्ड नंबर पंजाब त्यागमूर्ति हॉस्पिटल आचार्य जी के सहयोग में लगा, जिसे पूरी समुची टीम सारे मैंबर सबान साढ़े पहुँचे ने, और जलंधर शहर के बहुत ही प्रिय जोड़े ए डी सी साहब साढ़े सरीन साहब जिन्होंने सानू कैंप लाने की इजाजत दी। अज जो कि टी वी पेशेंट है, अभी चाहते हैं कि जलंधर शहर में 2100 पेशेंट है टी वी का, उन्होंने जोड़े असं अच्छ डाइट वंडी गई है, और डाइट वंडन के नाल नाल असी उन्होंने कहा कि जलंधर शहर में सब तो पहले टी वी मुक्त बनावे, और उस तो अलावा त्यागमूर्ति थोड़ा अज अखा का कैंप जिसे फ्री अखा के ऑपरेशन भी किए जाएंगे, गोडिया के कैंप और सारे इस तो अलावा होर भी जोड़े टैसट वगैरह वो सारे फ्री किए जाएंगे। मैं समुची टीम का त्यागमूर्ति हॉस्पिटल के महाजन साहब। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में एक नौजवान की तेज धार हथियारों से हुई हत्या, पुलिस जांच में जुटी। CIA स्टाफ जालंधर की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया काबू, 19 पेटी अवैध शराब और एक इनोवा गाड़ी की बरामद। संगरूर में मुख्यमंत्री आवास के आगे दिल्ली मोर्चे की तर्ज पर किसानों ने शुरू किया आंदोलन, CM आवास के नजदीक भारी पुलिस बल तैनात। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं, और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।